हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अपडेट की जो यहां पे जो लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या वर्क वीज़ा में हैं उनको ज़रूर ये अपडेट जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पूरे अपडेट के बारे में अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वर्क वीज़ा से रिलेटेड। तो दोस्तों, वर्क वीज़ा कंपनी जब आपकी लगा देती है उसके बाद उसको 2 साल या 3 साल जब तक का भी कंपनी आपका वीज़ा लगाती है, उसके बाद जब वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाता है तो उस कंपनी के साथ अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको वीज़ा रिन्यू कराना होगा अब टाइम पे। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी एमिरेट्स आईडी और जो वीज़ा है वो रिन्यू करानी होगी अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपका वीज़ा और एमिरेट्स आईडी टाइम टू टाइम रिन्यू नहीं होता है तो उसके ऊपर ह्यूज फाइन आपको आने वाला है और मे भी आपको यूएई बैन भी कर दिया जाए, यानी कि एक्सपायर्ड वीज़ा या एक्सपायर्ड एमिरेट्स आईडी से कुछ भी काम यहाँ पे नहीं करना है। ये बहुत सारे रूल्स जो है ना 1 जुलाई से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो अगर सामने ही आप लोगों का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो आपको कंपनी को बताना होगा कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। और जो लोग जॉब छोड़ रहे हैं वीज़ा कंप्लीट होने के बाद, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो ये आपका काम है कि विद इन द पीरियड, एक पीरियड के टाइम तक आपको यहाँ रहने दिया जाता है, बट आप अपना वीज़ा ज़रूर से कैंसिल कराइए। बिना वीज़ा कैंसिल कराए आप एग्जिट मत होइए। अगर आप वीज़ा कैंसिल कराए बिना एग्जिट हो जाते हैं तो भी आपके ऊपर कंपनी या आपकी जो जिससे भी आपका वीज़ा लिया गया हो वो आपके ऊपर बैन लगा सकती है। फिर आपको यहाँ आने में, वापस आने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं विजिट वीज़ा वालों के लिए। तो काफ़ी यहाँ पे देखा गया है कि विजिट वीज़ा में लोग काम कर रहे हैं, विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जा रहा है, फ़ाइन भी नहीं दे रहे हैं और उसी एक्सपायर्ड वीज़ा पे रह रहे हैं। तो अगर आप अपना फ़ाइन 1 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर जो फ़ाइन है उसको भी आपको देना होगा, साथ में आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा और आपके ऊपर यूएई बैन भी किया जाएगा। तो वीज़ा से जो रूल्स हैं वो 1 जुलाई से बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर यहाँ काम कर रहे हैं या आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका फ़ाइन है, तो आप जिस भी कंपनी में काम करें उनको बोलिए कि आपका वर्क वीज़ा जल्दी से जल्दी लगा दे या फिर आपको अपना फ़ाइन पे करना होगा। बिना फ़ाइन पे किए आप यहाँ से एग्जिट भी नहीं कर सकते, एग्जिट करते हैं तो आपके ऊपर लाइफ टाइम ट्रैवल बैन किया जाएगा यूएई की तरफ से। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ मेन अभी क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा का जो रूल है उसको बहुत क्लियर और एकदम मतलब फाइन लेके पूरा एकदम क्लियर रखना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी एक्सपायर्ड वीज़ा लेके नहीं घूमना है, वरना ह्यूज फाइन आपके ऊपर आ सकता है या फिर आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।